पूर्वी चंपारण जिले में उत्पाद अधिनियम के तहत जिले के विभिन्न पुलिस थाने और उत्पाद थाने में शराब संबंधित जब्त वाहनों की दो दिनों तक चली नीलामी स्वस्थ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गई है। नीलामी की प्रक्रिया उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार के नेतृत्व में की गई। इस संबंध में उन्होंने बताया कि दो दिनों तक चली वाहनों की नीलामी में कुल 228 समूह का विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें करीब 15 वाहनों का केस पेंडिंग होने के कारण विधि विभाग के द्वारा कैंसिल किया गया था। वहीं 213 वाहनों की नीलामी की गई, जिसमें लगभग 66 लाख की बोली राशि लगाई गई, जो राजस्व सरकार को प्राप्त होगा। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। निर्धारित समाता महोदय के आदेशानुसार कुल मिला के 228 समूह का विज्ञापन निकाला गया, कुछ में त्रुटि थे जिसको नीलामी से बाहर रखा गया था। उसके बाद कुल 213 वाहनों की नीलामी संपन्न हुई, जिसमें करीब लगभग 66 लाख रुपए के करीब बोली राशि लगाई गई है, जिससे जमा करा लिया जाएगा नियमतः 66 लाख की राशि सरकार को इससे राजस्व प्राप्त होगी। छपरा मढौरा रोड मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिठवलिया चौक क्रॉसिंग पॉइंट से होकर पैदल गुजर रहे एक युवक की अनियंत्रित दो ट्रकों के बीच दराज में फंसकर मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान मिठवलिया गांव निवासी स्वर्गीय विद्या राय का 18 वर्षीय पुत्र लक्ष्मण कुमार राय के रूप में हुई है। घटना सुबह 8 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार युवक पास स्थित किसी दुकान से दूध लेकर पैदल ही वापस घर लौट रहा था। जैसे ही मिठवलिया चौक के बीचों बीच सड़क पर खड़ी बालू लदी एक ट्रक के समीप पहुंचा, वैसे ही बिना देखे समझे ही ट्रक चालक ने अचानक अपनी गाड़ी बैक कर दी। इस दौरान बिशुनपुरा 4 लेन मार्ग से तेज रफ्तार में आ रही अनियंत्रित एक अन्य बालू लदी ट्रक के बीच युवक फंस गया और दोनों ट्रकों के बीच दबकर युवक की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों के द्वारा सड़क जाम कर घंटों प्रदर्शन किया गया। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सदर सीओ और मुफस्सिल पुलिस के द्वारा आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर पीड़ित परिवार के आश्रितों को परिवहन विभाग से शीघ्र मुआवजे के भुगतान का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद लोग सड़क से हटे और जाम दिन के करीब 1 बजे जाकर समाप्त हुआ, जिसके बाद मुफस्सिल पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु छपरा सदर अस्पताल भेज दिया। वही स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक युवक 3 भाइयों में दूसरा था, 2 बहनें भी है। पिता के मरने के बाद से युवक मजदूरी कर इंटर की पढ़ाई भी कर रहा था और घर की देखभाल भी करता था। वही 2 बहनों की शादी विवाह की भी जिम्मेदारी इसी के कंधे पर थी। कहाँ से आ रहे थे? हम आ रहे थे नगरा से आ रहे थे, स्टेशन जा रहे थे जंक्शन। तो ये ट्रक और वो ट्रक, ये दोनों वहाँ पे खड़ी थी, वो पीछे खड़ी थी, ये आगे खड़ी थी। उसके बाद ये यहाँ चौक पर खड़ी थी, मतलब बेक करना चाह रही थी, इधर जाने का चाह रही थी, और हम साइकिल से आगे से पार करने वाले थे। हाँ। हम पार कर लिए हैं तो देख रहे हैं कि ये ट्रक और पीछे बैक हो गए। हाँ। और बच्चा बीच में चपा हुआ है, ट्रक वाला को बोले जल्दी जल्दी आगे करो। ये चपा इससे परा है, ये बेक किया ना। हाँ। तो लड़का वो ट्रक में चपा गया। अच्छा, कौन? वो जो शीशा टूटा हुआ है। हाँ, हाँ, वो ट्रक में चपा गया लड़का। हाँ, हाँ, हाँ। उसका बम्पर दम टेढ़ा हो गया है। अच्छा अच्छा, तब तक ये इधर से आकर इसको मार दिया? मारा नहीं, वो खड़ा था, ट्रक पीछे गया, बच्चा बीच में चपाया हुआ था। अच्छा, हम इसको बोले कि आगे करो, उसको बोले पीछे करो। हाँ। दोनों मतलब बैठा हुआ ड्राइवर। हाँ। कुछ नहीं कर पा रहा था। हाँ। उसके बाद 10-15 सेकंड तक उसी तरह लड़का चपा हुआ था। हाँ। हम डर कर बोले जल्दी आगे करो। हाँ। जैसे आगे किया लड़का धड़ाम से गिर गया। अच्छा, उसके यहाँ पूरा चपा गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उसके बाद ये भाग रहा था ट्रक, ड्राइवर भाग रहा था, वहाँ पकड़ा गया। अच्छा अच्छा, मारा गया। पूर्वी चंपारण के ढाका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के सराठा पावर हाउस के नजदीक से 2 बाइक के साथ 4 शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार धंधेबाज पूर्वी चंपारण के पथाई थाना क्षेत्र के नोनफरवा गांव निवासी कृष्ण महतो का पुत्र कपिल महतो, गोनौर पासवान का पुत्र राहुल पासवान, गया महतो का पुत्र संतोष महतो तथा चौथे धंधेबाज की पहचान बारा शंकर गांव निवासी रामा शंकर राम का पुत्र गणेश कुमार के रूप में की गई है। इस संदर्भ में ढाका थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल 120 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 बाइक को जब्त किया गया है। गिरफ्तार सभी धंधेबाज पर बिहार मद निषेध तथा उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुगौली से श्यामपुर जाने वाले सड़क में बन रहे पुल के निर्माण कार्य में देरी को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि यह पुल 2,18,00,000 के लागत से बना है। पुल का कार्य 2020 में ही पूरा करना था, लेकिन अब तक पुल का कार्य पूरा नहीं किया गया। पुल न बनने की वजह से करीब 3 साल से 20 गांव के लोग परेशान हैं। इधर के पूरा गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ में आवागमन बंद हो जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
वहीं लोगों का कहना है कि जब ठेकेदार से बात की जाती है तो ठेकेदार कहता है कि बनेगा, लेकिन कब तक बनेगा इसका कोई ठीक नहीं है। ठेकेदार बन रहे पुल को कभी देखने तक नहीं आते। आज मोतिहारी के मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्रसार में बुस्टा का महासम्मेलन सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन करता सह बिहार सरकार के विधियों गन्ना विकास मंत्री प्रमोद कुमार, विधान पार्षद केदार पांडे, विधान पार्षद डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह, एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय, एमएस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहां पहुंचे अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र प्रतीक चिन्ह और बुके देकर किया गया। अपना उद्घाटन भाषण देते हुए मंत्री प्रमोद कुमार ने नई शिक्षा नीति को समावेशी और सबके लिए हितकर बताते हुए उसे सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रेष्ठ बताया। इसी क्रम में सभा को संबोधित करते हुए विधान पार्षद और शिक्षक नेता डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेटीकरण एक दुखद अध्याय है। विधान पार्षद डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नया प्राण फूके जाने की जरूरत है। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत भाषण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार ने दिया, मंच संचालक अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हुसैन और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रेवती रमन झा ने किया। खबर प्रस्तुत किए जाने तक चुनाव की प्रक्रिया जारी है। सुगौली प्रखंड के दक्षिणी मनसिगा पंचायत के भेड़ियारी के पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि भेड़ियारी से खोड़ा जाने वाले मुख्य पथ में भेड़ियारी के समीप पुल 3-4 वर्ष से ध्वस्त हो गया है, जिसके चलते कई लोग गिरकर जख्मी हो गए हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक यह पुल नहीं बन सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि विधायक, सांसद एवं स्थानीय प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने सुध ही नहीं ली और यह टूटी हुई पुल जानलेवा बन गया है। कभी भी कोई खतरा हो सकता है, कई लोग घायल भी हो गए। विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से इस समस्या के बारे में बताया गया, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ। मुखिया प्रतिनिधि संजय यादव ने कहा कि इस समस्या को पंचायत समिति की बैठक में उठाया जाएगा। इस वक्त हम सुगौली प्रखंड के दक्षिणी मनसिंगा पंचायत के भेड़ियारी गांव में हैं। मेरे पीछे लोग खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह लोग खड़े हुए हैं, एक लाइन से लोग खड़े हुए हैं। पीछे पुल है, एक पुल जानलेवा पुल बन चुका है, कई वर्षों से पुल टूटा हुआ है। पहले स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे एक एक पल की तस्वीर यहाँ पुल की स्थिति। क्या नाम है आपका? विनोद साहनी। पुल कितने वर्षों से टूटा हुआ है? लगभग 3 बरस से। 3 बरस से कोई निदान क्यों नहीं हो रहा है? कोई निदान नहीं है। क्या आप इसको लेकर क्या कहेंगे, किस अधिकारी से, जनप्रतिनिधि से बात हुई है? बात तो हुई है विधायक जी से, तो वो तो आ नहीं रहे हैं कि जो देखेंगे जो हाँ जनता का यहाँ कोई दिक्कत है कि नहीं है, आएंगे तब ना पता लगेगा जी। क्या आप इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ये तो 4-5 बरस से टूटा हुआ है, 3 बरस से नहीं, 4-5 बरस से टूटा हुआ है। कई बार हमने बोले विधायक जी को, मंत्री जी को, अब तो विधायक बदल गए हैं, लेकिन मंत्री जी को कई बार बोले, BDO साहब को, मैंने हर एक आदमी को, सांसद साहब को भी बोले हैं कि देखिए किसान को और मेरे माँ बहन को जाने आने में बहुत दिक्कत होता है, यहाँ कई आदमी डूब गया। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, क्या चाहिए पुल से, क्या परेशानी हो रही है, कितना दिनों से परेशानी है? परेशानी तो बहुत है, लमसम मानिए ने 4-5 बरस से परेशानी हम लोग का है। परेशानी है। पुल कैसे टूट गया, कैसे बना था कि टूट गया? डहरा है, टूट दिया। बना कैसे था, मजबूत है यानी नहीं था? मजबूत ओवर समय में मजबूत थे तो नहीं टूटते थे, कमजोर थे, टूट गया पुल। यहाँ 4 से 5 आदमी डूब गया और ऐसा ही काम हुआ है, 24 लाख का स्कीम है, 24 लाख में इसमें टोटल घर बना हुआ है किसी और का, गिट्टी बालू सीमेंट से। यहाँ का जो है कि सामग्री चल गया दूसरे जगह, और इसमें इतना कच्चा काम किया गया है कि नदी का बालू लेकर काम किया गया है। इसमें ना विधायक जी स्टेप लिए, ना MP साहब स्टेप लिए, कोई स्टेप इसमें नहीं लेता है जी। उसके वजह से यहाँ पे रोज लोग आने जाने परेशानी होती है। पुल कहाँ कहाँ ये रास्ता जाए? ये खोड़ा मनसिंह है, यहाँ से हम लोगों का मुसवा पूरे ग्राम का, पूरे खेती पड़ता है गांव की, इस पुल की पार ही पड़ता है, और यह खोड़ा जाने के लिए हम लोग का यही मेन रूट है। पुल देखिए किस तरह ये ध्वस्त हो चुका है, पुल टूट गया है और लोगों को आने जाने में काफी यहाँ पे परेशानी होती रहती है। ये लोग भी बता रहे हैं, यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि कई लोग इसमें डूब के मर चुके हैं। ये यानी ये पुल का नाम रखा जा सकता है कि पुल जानलेवा बन चुकी है, जाने ले रही है ये पुल। अगर ये पुल का शीघ्र निर्माण नहीं होता तो यहाँ के स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त रहेगा। और आपको बता दें कि 4 वर्षों लगभग बताया जा रहा है कि 4 वर्षों से ये पुल ऐसे ही ध्वस्त है, अभी तक इसका निर्माण नहीं होगा। अब ये देखना दिलचस्प ये होगा कि पुल का निर्माण कब होता है। मैं मुना कुमार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ सुगौली भेड़ियारी। खबर पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां प्रखंड के मोहम्मदपुर गांव में बिजली की तार पर पेड़ गिर जाने से गांव की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है।
वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी शाम के 4 बजे तक कोई विभागीय कर्मी देखने तक नहीं आया। स्थानीय निवासी इम्तियाज अहमद ने बताया कि रविवार की सुबह तेज आंधी बारिश में मोहम्मदपुर वार्ड संख्या 6 में बिजली की तार पर पेड़ गिरने से पोल टूट गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा विभाग को दी गई, लेकिन अभी तक कोई कर्मी देखने तक नहीं आया, जिससे पूरे गांव की बिजली इस गर्मी में गुल है। वहीं बिजली विभाग के SDO आलोक कुमार ने बताया कि सूचना मिली है, कई जगह क्षतिग्रस्त होने के कारण विलम्ब हुआ है, वहाँ पोल टूटा है, पोल के लेकर विभागीय कर्मी पहुँच रहे हैं, जल्द ही बिजली आपूर्ति शुरू की जाएगी। मेरे मतलब कि आंधी आई है, आधी आइला के बाद में निया देखल गईल तो पुल टूट गई बा, लाइट कट गई तो पुल टूट गई बाद में निया का भैले जी सब केहू मतलब कि आके देखल हो तो पुल टूटल बाद में कंप्लेन भइल हो बिजली विभाग में। अभी तक ले केहू मतलब कि एकरा के देखे ना आई आ ऐसे मतलब कि काफ़ी लोग परेशान बा। अभी 4 बजे तो केहू देखे ना, अभी तक ले तो केहू ना आई। मान लीजिए मोबाइल तो बाइल चाहे गर्मी के मौसम बा, सारा लोग परेशान बाटे, लड़का फैका सब यही तरह मतलब कि परेशान बा। का नाम पड़े देखना आई? का नाम पड़े रहो? अयूब अंसारी। कौन जगह है? मोहम्मदपुर वार्ड नंबर 6। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां रविवार की सुबह आकाशीय बिजली गिरने से किशोर जख्मी हो गया, जिसके बाद परिजनों ने घायल कमरान का निजी अस्पताल में उपचार कराया। उपचार के बाद स्थिति सामान्य बताई जा रही है। आपको बता दें कि रविवार की सुबह तेज आंधी के साथ बारिश हो रही थी, इसी दौरान नरकटियागंज के राजपुर तुमकड़िया पंचायत के मोहम्मदपुर वार्ड संख्या 6 में जुल्फिकार मियां के घर पर आकाशीय बिजली गिरने से पूरा घर ध्वस्त हो गया, साथ ही घर में रखे सभी सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। वही पंचायत के उप मुखिया मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि दूसरी तरफ गांव के फिरोज मियां के घर पर भी आकाशीय बिजली गिरी है, जिससे मकान के कुछ हिस्से ध्वस्त हो गए हैं। हालांकि कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है। परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। हम सुबह में सोते हुए थे, बारिश आया, जोर से लावका होगा गिर गया, सब हम भी घायल हो गए, घर और सब टूट गया है। कब की घटना है? लगभग सुबह 4 बजे। आपका नाम? कबरा डॉक्टर। कौन सा जगह है? सरस्वती टोला मगतपुर। सुतर रहनी है जौन, 4 बजे भोर में बारिश आई लवे, लौका लौका ल गिर गई घर के ऊपर, लड़को जख्मी हो गए, सब पूरा घर तहस नहस हो गई है। अब रहे खातिर कोनो ठिकाना नहीं के, गरीब आदमी एकरा खातिर जौन अथी न्याय होके तो किया जाए। कितना के लगभग नुकसान? कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का। मुजौलिया थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत थाना क्षेत्र के विभिन्न ठिकानों से 4 कुर्की जब्ती के वारंटी तथा 3 शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच उपरांत न्यायिक हिरासत में बेतिया भेज दिया। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष अशोक कुमार शाह ने बताया कि थाना कांड संख्या 344/22 धारा 30A बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के नामजद अभियुक्त राजन मांझी पिता भूलन मांझी, प्रहलाद मांझी उर्फ ग्रहण मांझी पिता स्वर्गीय सुखदेव मांझी, ठग मांझी पिता स्वर्गीय चौकट मांझी, तीनों साकिर सरिस्वा वरवलिया के हैं। वहीं कुर्की जब्ती के 4 वारंटियों में जगराम पिता स्वर्गीय चिरकुट राम, परदेशी राम पिता स्वर्गीय राम सूरत राम, विदेशी राम पिता स्वर्गीय राम सूरत राम और देश राम पिता बद्री राम, सभी वारंटी हरपुर वार्ड नंबर 17 के निवासी है। इन सातों को मेडिकल जांचों उपरांत न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। विगत रात्रि 7 कांड के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त मद्य निषेध के कांड में गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम राजन मांझी, प्रेसर भूलन मांझी, प्रहलाद मांझी, उपग्रहण मांझी, पिता स्वर्गीय सुखदेव मांझी, ठग मांझी, प्रेसर स्वर्गीय चौकट मांझी, ये भरवलिया के हैं। इसके अलावा 3 कुर्की के वारंटी को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है जगराम, परदेशी राम, विदेशी राम, अवधेश राम, ये सभी हरपुर वार्ड नंबर 17 के हैं। सभी को गिरफ्तार कर थानांतरण करवाई है तो न्यायिक हिरासत। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का लोकार्पण सूबे के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी तथा बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल तथा कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान केंद्र पूसा के निर्देशक डॉक्टर अंजनी कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर आयोजित किसान सभा की अध्यक्षता कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शिशिर कुमार गंगवार ने की। उन्होंने आगत अतिथियों का स्वागत किया। सूबे के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि
भारत किसानों का देश है। समय समय पर किसानों का प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर एक प्रशासनिक भवन की कमी थी, जिसे केंद्र सरकार ने 1,52,00,000 की लागत से निर्माण कराया है। वहीं अपने संबोधन में डॉक्टर संजय जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर करता है। किसान खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा, क्योंकि किसान ही हमारे अन्नदाता है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ किसान ही है। वहीं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के निदेशक डॉक्टर अंजनी कुमार ने कहा कि नई तकनीक पर आधारित केला के थंब में रेशा निकालकर कपड़े का निर्माण कराया जाएगा, जो किसानों के लिए आय का साधन बनेगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गोबर से खाद बनाकर कचरा प्रबंधन का काम होगा। कृषि बागवानी मत्स्य पालन पशुपालन कर किसान अपने आय से वृद्धि कर सकेंगे। किसान सभा में पशुपालन डॉक्टर MS कुड्डू ने पशु से संबंधित बीमारियों का इलाज किसानों को बताया। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि इस कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन जो बने हैं नए, उसका लोकार्पण करना था। और ये प्रशासनिक भवन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो मुख्यालय है उसके सहयोग से बना है। तो इसमें लगभग 1,52,00,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। और ये बहुत सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम समय में बनकर तैयार हुई है और ये आज इसका लोकार्पण हुआ है। देखिए, ये जो केंद्र है वो किसानों के लिए है और इसमें किसानों को प्रशिक्षण, प्रक्षेप प्रदर्शन के अलावा कृषि बागवानी पशुपालन मत्स्य पालन से संबंधित जितनी भी तकनीक है उसके बारे में उन्हें बताया जाता है। किसानों के खेत में जो समस्याएं होती है उसमें हमारे यहाँ के वैज्ञानिक जाते हैं, उन्हें देखते हैं और उसका समाधान बताते हैं। किसानों के आय को हम कैसे बढ़ाएं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ को ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहे उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।